नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी एक बार फिर चर्चा में हैं। ये वही वरुण गांधी हैं जो बीते कुछ सालों से अपनी ही पार्टी पर लगातार हमला बोल रहे हैं। जब जब वरुण गांधी पार्टी लाइन से हटकर बयान देते हैं ना, तो लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी वरुण गांधी का टिकट काट देगी, या फिर वरुण गांधी कांग्रेस में आने के संकेत दे रहे हैं, इसलिए वो खुलकर पार्टी पर हमला बोलने से नहीं डरते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि शायद इस बार बीजेपी उनका टिकट काट दे या वो खुद पार्टी छोड़कर चले जाए। इस बार वरुण गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तारीफ की है और इस तारीफ के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। वरुण गांधी ने तारीफ करते हुए कहा कि एक सच्चा नेता जीतने का अकेला श्रेय नहीं लेता है। यह इशारा किसकी तरफ था, यह भी गौर करने वाली बात है। वरुण गांधी ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत का भी जिक्र किया। आपको बता दें कि वरुण गांधी ने एक्स पर एक पत्र साझा किया है जो उनकी दादी यानी कि इंदिरा गांधी ने उस वक्त तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ को लिखा था। पत्र में जो तारीख है वो 22 दिसंबर 1971 है, यानी कि 22 दिसंबर 1971 को यह पत्र लिखा गया था। वरुण गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि 1971 के युद्ध में ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ को पत्र। एक सच्चा नेता जानता है कि पूरी टीम ही जीतती है और जानता है कि कब बड़ा दिल होना चाहिए और अकेले श्रेय नहीं लेना चाहिए। आज के दिन पूरा भारत इन दोनों महान भारतीय खजानों को सलाम करता है। अब इस पोस्ट से कई कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वरुण गांधी का इशारा आज के हमारे देश के नेताओं पर है जो जीतने पर ये समझते हैं कि ये उनकी जीत है, उनकी वजह से जीत है। सूत्रों के मुताबिक वरुण गांधी की यह प्रतिक्रिया उन अटकलों की पृष्ठभूमि में आई है कि वह कांग्रेस के करीब आ रहे हैं, मतलब कांग्रेस से उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी है या बढ़ सकती है, क्योंकि हाल ही में वह बीजेपी की बैठकों से भी बचते रहे। जो बीजेपी की बैठकें होती है अक्सर वरुण गांधी को उसमें नहीं देखा जाता है। पिछले महीने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और वरुण गांधी ने उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर में एक मुलाकात भी की थी। एक छोटी सी उनकी मुलाकात वहां पर हुई थी और इस मुलाकात के बाद ये सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं भी होने लगी थी। वैसे राहुल और वरुण गांधी चचेरे भाई हैं, तो इस मुलाकात के सियासी मायने निकालना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। या सियासत अपनी जगह है और खून का रिश्ता अपनी जगह है। वही थोड़ा पीछे अगर आपको हम ले चलते हैं तो आपको याद होगा कि इसी साल सितंबर के महीने में एक मरीज की मौत के बाद अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबित किए जाने पर वरुण गांधी ने अपनी पार्टी की सरकार पर तंज कसा था और उन्होंने एक्स पर कहा था कि एक नाम के खिलाफ नाराजगी से लोगों का काम खराब नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से वरुण गांधी ने लगातार अपनी ही पार्टी पर हमला बोला है। वैसे जो पत्र इंदिरा गांधी का वरुण गांधी ने शेयर किया है, उस पत्र में इंदिरा गांधी ने लिखा था कि प्रिय जनरल मानेकशॉ, पिछले दिनों हमारी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने और हमारे राष्ट्रीय मूल्यों को बनाए रखने में हमारे सशस्त्र बलों की शानदार उपलब्धि के लिए लोगों की प्रशंसा और सराहना का प्रमाण दिया है। मैं जानती हूँ कि सेना अध्यक्ष के रूप में और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में आपका बोझ कितना भारी रहा है और आप पर दबाव कितना लगातार रहा है। उन्होंने लिखा कि तीनों सेनाओं के बीच समन्वय जो अभियान के दौरान इतना प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित हुआ है, इसका श्रेय आपके शानदार नेतृत्व को जाता है। मैं विशेष रूप से इस संकट के दौरान आपके सहयोग, आपकी स्पष्ट सलाह और निरंतर उत्साहवर्धन को महत्व देती हूँ। मैं आपके प्रति, आपके अधिकारियों और कर्मियों के प्रति सरकार और भारत के लोगों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। तो ये वही पत्र था जो इंदिरा गांधी ने लिखा था और वरुण गांधी ने इस पत्र को शेयर किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि वरुण गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के आंतरिक आलोचना के रूप में भी आलोचक के रूप में देखा जाता है और वह गलत को गलत कहने से डरते नहीं है, जबकि बीजेपी में अधिकांश नेता ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। जी हाँ, और वह पिछले कुछ सालों से मोदी और उनकी सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं, खासकर जब से उन्हें और उनकी सांसद मां मेनका गांधी को 2021 में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटा दिया गया था। तीन बार के सांसद वरुण गांधी ने कई बार यह जता चुके हैं कि वह मोदी और अमित शाह की बीजेपी के साथ सहज नहीं है और उन्होंने कई बार अपने ट्वीट बयान और हमारी लेख के माध्यम से केंद्र और उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की सरकार की आलोचना भी की है।
वह महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता जैसे तमाम मुद्दों पर आवाज उठाते रहे। जी हाँ, तो आपने देखा किस तरीके से वरुण गांधी ने जो बातें बोली है, जो पत्र इंदिरा गांधी का शेयर किया है, उस पत्र में क्या लिखा है और वरुण गांधी ने क्या कुछ लिखा है वो हमने आपको बताया। ऐसे तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए 4PM के साथ।